हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टर्शरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर, इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये जाना था कि जो मुगल रूलर्स थे उनका लास्ट एम्परर कौन था, और पावरफुल एम्परर लास्ट पावरफुल एम्परर कौन था, दोनों अलग अलग थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ईस्ट में एंटर की थी, राइट, सबसे पहले उसने कैलकटा से अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया था। फिर हमने ये जाना था कि कैसे उसने बंगाल के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर कि किस तरीके से बिजनेस के वजह से, जिस तरीके से बिजनेस ट्रेड जो था वो एस्टैब्लिश कर रहे थे, उससे उनकी अपनी मनमानी की वजह से युद्ध छिड़ गया था। सो आज का हमारा टॉपिक है द बैटल ऑफ प्लासी। यस, प्लासी का युद्ध, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आगे अगर आप ह्यूमैनिटीज़ लेते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बैटल ऑफ प्लासी। सो व्हेन अली वर्दी खान डाइड इन 1756, जब अली वर्दी खान की डेथ हो गई थी 1756 में, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। अब क्या होता है, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब चुना जाता है, पहले हमने ध्यान है आपको, हम लोगों ने मुर्शिद कुली खान के बारे में पढ़ा था। पहले मुर्शिद कुली खान, देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ, आई थिंक आप भूल गए होंगे। तो मुर्शिद कुली खान पहले जो बंगाल के नवाब थे, उसके बाद अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। यस, तो मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान जो थे वो बने नवाब, और अली वर्दी खान की डेथ के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। कंपनी जो थी, कंपनी सारी पावर अपने हाथ में रखना चाहती थी, और जो रूलर होता उसको एक पपेट के जैसे ट्रीट करना चाहती थी, ठीक है। पपेट का मतलब होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे, पपेट का मतलब होता है लिटरली अ टॉय दैट यू कैन मूव विद स्ट्रिंग्स। द टर्म इज यूज डिसअप्रूविंगली टू रेफर टू अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। इसका मतलब होता है, आपने पपेट शो वगैरह देखे होंगे कि कठपुतली बना के रखना और स्ट्रिंग्स के थ्रू उसको मूव करना, जैसे पर्सन चाहे उसको उसी तरीके से मूव करे और उसकी हर एक चीज़ कंट्रोल्ड हो। तो पपेट बना के रखना चाहते थे। विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन, और जो बिजनेस था उसमें बहुत ज़्यादा छूट चाहते थे, कंसेशन चाहते थे, राइट। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौलाज राइवल्स बिकम द नवाब। अब क्या होता है, इसलिए जो कंपनी थी, ठीक है, जो ब्रिटिश थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने सिराजुद्दौला टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौलाज राइवल बिकम द नवाब। उन्होंने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो उसका राइवल था उसको नवाब बनाने की सोची, अपनी सक्सेस पाने के लिए, अपने हक जमाने के लिए, अपना सब चीज़ें ग्रैब करने के लिए उस ब्रिटिश ने क्या सोचा कि सिराजुद्दौला के सामने हम उसके राइवल को लेकर आएं और उसे हम नवाब बना दें। एंड इन्फ्लुएटेड सिराजुद्दौला आस्क द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड द पे ऑफ रेवेन्यूज।
सिराजुद्दौला ने कहा कि कंपनी को बोला कि अपनी फालतू की चीज़ें बंद करें, पॉलिटिकल अफेयर्स में हमारे एंटर करना बंद करें, ठीक है, और रिवेन्यूज को पे करना शुरू करें, क्योंकि जब तक रिवेन्यू नहीं आएगा तब तक आगे जो राज्य है वो नहीं चल पाएगा, जो नवाब है वो आगे अपना जो किंगडम है वो रन नहीं कर पाएगा। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, इन सब चीज़ों के बाद जब ये सब चीज़ें फेल हो गई, द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, लॉक्ड द वेयर हाउस, डिसआर्म द ऑल इंग्लिश मैन एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स। अब क्या होता है, जब सिराजुद्दौला की बात नहीं मानी जाती है तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, उसने नवाब ने क्या किया, 30,000 अपने सोल्जर्स के साथ जो ब्रिटिश के कासिम बाजार में फैक्ट्री थी, ठीक है, उस पे उसने धावा बोल दिया। उसने क्या किया, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनको कैप्चर कर लिया, जो उसके वेयर हाउस थे उसको लॉक करवा दिया, और जो इंग्लिश मैन थे, जो ब्रिटिश के इंग्लिश मैन थे, उनको डिसआर्म कर दिया, और जितनी भी इंग्लिश शिप्स आ रही थी उनको भी ब्लॉक कर दिया, उन्हें बंद कर दिया। देन ही मार्च टू कैलकटा टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फॉर देयर, और उसके बाद वो मार्च निकालता हुआ कैलकटा में, जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था कंपनी ने अपना जो फोर्ट बनाया था, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कंपनी ने कैलकटा के अंदर जहाँ वो प्रोडक्शन करते थे वहीं उन्होंने अपना फोर्ट धीरे धीरे करके बनाना शुरू किया था, बिल्डिंग्स बनानी शुरू की थी, राइट। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई कि सिराजुद्दौला ने उसके बाद क्या किया कि कंपनी के फोर्ट, जो कंपनी का फोर्ट था उसको उस पर कंट्रोल करने के लिए वो अपना मार्च लेकर गया, उसने मार्च निकाला, अपनी जो सोल्जर्स थे वो लेके गया। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकटा, ये कैलकटा में जब न्यूज़ सुनी ये फैली, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव रीइन्फोर्स्ड बाय द नवल फ्लीट्स। अब क्या होता है कि जैसे ही कैलकटा में ये बात फैली, ये न्यूज़ फैली, कंपनी की जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने मद्रास से, ठीक है, मद्रास से फोर्स को बुलाया, और उसका कमांड किसके हाथ में था, उसके कमांड रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी, राइट। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी को फॉलो, कंपनी की जो कमांड, जो कमांडर कमांड को फोर्स के कमांडर थे, एक्चुअली फोर्स को पूरा क्या करते थे, वो कमांड करते थे। तो क्या नाम बताया मैंने आपको, रॉबर्ट क्लाइव लीड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। आपको पता होना चाहिए कि जो प्लासी का युद्ध था, ठीक है, वो सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच लड़ा गया था। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्सेज लीड बाय मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर्स, नेवर फॉर द बैटल। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। आप समझ रहे हैं कि किसी भी राज्य के अंदर अपना ही पर्सन जो होता है वो विश्वासघाती होता है, और एक ना एक विश्वासघाती ज़रूर निकलता है। यही चीज़ थी कि जो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि जो मीर जाफर को बोला कि अगर तुम सिराजुद्दौला को मार दोगे, मीर जाफर कौन था, सिराजुद्दौला का कमांडर था, अगर तुम सिराजुद्दौला को मार दोगे तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। बिना लड़े, बिना कुछ किए सीधा क्लाइव ने, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने गेम खेली कि अगर तुम, क्या प्रॉमिस किया उसको,
कि अगर तुम सिराजुद्दौला को मार दोगे, उसको क्रश कर दोगे, तो तुम्हें बंगाल का नवाब घोषित कर देंगे हम। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। ये जो बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध था, वो फेमस क्यों हुआ? वो इसी वजह से फेमस हुआ क्योंकि कंपनी की पहली जीत थी इंडिया में एंटर करने की, इंडिया के अंदर अपना अस्तित्व स्थापित करने की, अपने आप को मजबूत करने की। जैसे ही किसी पर्सन के अंदर, अगर सपोज आप एग्जांपल लेके चलें, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि हमें और अच्छे लाने हैं, राइट? हमें मेरिट में आना ही आना है। तो ऐसे ही जो प्लासी का युद्ध था, जैसे ही जीते, अगर कंपनी ये युद्ध नहीं जीतती, अगर हार जाती, तो शायद आज कंपनी, आज तो नहीं, मतलब इतने टाइम तक कंपनी राज नहीं कर पाती। कम से कम नहीं तो 100 ईयर्स ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया है। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन द इंडिया। और वही बात हुई कि मीर जाफर ने विश्वासघात किया और सिराजुद्दौला को मार दिया और कंपनी जीत गई। आगे देखिए, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज एज एसिनेटेड एंड मीर जाफर मेड द नवाब। वही बात हुई, प्लासी का युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला मर गया एंड मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी अभी भी अनविलिंग थी, किसलिए थी? कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, वो अभी तक नहीं ले पा रही थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव्स वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि अपने ट्रेड को एक्सपैंड किया जाए, अपने व्यापार को बढ़ाया जाए। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस। इफ दिस कुड बी डन, ये सब चीज़ें बिना किसी लोकल रूलर के हेल्प के नहीं हो सकती थी। देन टर्शरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। ये सारी सर्विसेज डायरेक्टली टेक ओवर नहीं हो पाती अगर कोई रूलर, लोकल रूलर उनके साथ नहीं होता। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रैदर डिफिकल्ट। कंपनी ने जल्दी ही ये डिस्कवर कर दिया, ये दिखाना शुरू कर दिया कि ये सब तो डिफिकल्ट है। फॉर इवन द पपेट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड दैम टू बी। जो नवाब है वो हमेशा से उनके हेल्पफुल नहीं हो सकता जैसा वो चाहते हैं। वो तो ये चाहते थे ना कि पपेट बन के रहे, बट ऐसा नहीं हो सकता था आफ्टर ऑल, क्योंकि नवाब तो नवाब होता है। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। ठीक है, बाद में वो लोग क्या दिखाने लग गए, दे ऑल हैड टू मेंटेन, वो बेसिक अपीयरेंस दिखाने लग गए डिग्निटी की, सोवरेनिटी की। ठीक है, और वो हर सब्जेक्ट में रिस्पेक्ट चाहते थे। व्हाट कुड द कंपनी डू, कंपनी ने क्या किया? व्हेन मीर जफर प्रोटेस्टेड, क्या कब मीर जफर प्रोटेस्ट, मीर जफर ने कब तक प्रोटेस्ट किया? द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर काजिम इन दिस प्लेस। अब क्या होता है, हमेशा के जैसे कंपनी ने फिर से गेम खेली और मीर जाफर के अगेंस्ट में मीर कासिम को लेकर आए। पहले था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद आया मीर जाफर, और मीर जाफर के अगेंस्ट किसको लेकर आए? मीर कासिम को। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड ही इन टर्न्स वॉज डिफीटेड इन अ बैटल फाउट एट बक्सर ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जफर वॉज री इंस्टॉल्ड। अब क्या होता है,
कि जब मीर कासिम उनकी बात नहीं मान रहा था, मीर कासिम से वो परेशान थे, तो क्या हुआ भाई, हर कोई तो आपके पपेट नहीं बन सकता ना। तो मीर जाफर जो था, मीर जाफर के अगेंस्ट में मीर कासिम को लेकर आए, मीर कासिम तो उससे भी ज़्यादा परेशान करने लग गया। मीर कासिम बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनता था, और इस चक्कर में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध छिड़ गया। ठीक है, मीर कासिम और किसके बीच में, मीर कासिम और कंपनी के बीच में बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का फाइट हुई, कहाँ सॉरी बक्सर का युद्ध हुआ कब, 1764 में, 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ। ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल्ड, और फिर क्या हुआ, वापस से मीर जाफर को लेकर आया गया, क्योंकि मीर जाफर तो फिर ठीक था, बट मीर कासिम तो कंपनी के लिए वो बिल्कुल भी उनको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। द नवाब हैड टू पे 5 लाख रुपीज एवरी मंथ, बट द कंपनी वॉन्टेड मोर मनी टू फिनेंस इट्स वार्स एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। अब जो जो कंपनी थी उसने क्या किया, उसने क्या मांगना शुरू करया, पैसा मांगना शुरू कर दिया। कंपनी ने बोला कि भई हम तो बहुत, हमारे तो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे व्यापार के लिए हमें पैसा चाहिए, ठीक है, हमें वार के लिए, हमारे को युद्ध के लिए हमें पैसा चाहिए, फिनेंस की ज़रूरत है। तो हर महीने नवाब क्या करने लगा, 5 लाख रुपीस एवरी मंथ उन्हें भेजने लगा। बट 5 लाख रुपए से कैसे काम चलने वाला था। अब मैंने आपसे 5 लाख रुपए बोले हैं उस टाइम पर, इतने टाइम पहले, आप सोचिए ज़रा कि 5 लाख रुपए हर महीने भेजना कितना टफ टास्क था। अब नवाब जो मीर जाफर था, ठीक है, मीर जाफर जो था वो 5 लाख रुपीस पर एवरी मंथ वो भेजता था, बट कंपनी तो ये चाहती थी कि और ज़्यादा से ज़्यादा भेजे, उनकी तो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है, बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड। अब क्या होता है, 1765 के अंदर मीर जाफर की डेथ हो जाती है। आपने ये सारी जो डेट्स हैं, ये जो ईयर्स हैं, ये आपने अपनी कॉपी पर बिल्कुल लिख के रखने हैं, ताकि आपको याद रह सके, क्योंकि हिस्ट्री जो है, हमें हिस्ट्री की डेट्स को लर्न रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आगे देखिए, अब क्या होता है कि जो मीर जाफर है उसकी डेथ हो जाती है 1765 में, और कंपनी का मूड चेंज हो जाता है। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, कोई पपेट के जैसे, जो नवाब था वो पपेट के जैसे काम नहीं कर सकता था और नहीं करने में योग्य था। तो इस चक्कर में क्लाइव डिक्लेयर्ड, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, कौन, जो कमांडर थे, ठीक है, कंपनी के कमांडर जो थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आर सेल्व्स, हमें ही खुद से नवाब बनना पड़ेगा, हमें बन जाना चाहिए, ठीक है। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। अब क्या होता है, 1765 के अंदर कंपनी को दीवान, बंगाल के दीवान के तरह घोषित कर दिया जाता है। द दीवानी मतलब दीवानी दे दी जाती है, ठीक है। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दीवानी में क्या अलाउ किया जाता है, इसमें ये अलाउ किया जाता है कि कंपनी क्या यूज़ कर सकती है, जो रिसोर्सेज हैं, रिवेन्यू रिसोर्सेज है बंगाल के, वो यूज़ कर सकती है, ठीक है। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। ये जो प्रॉब्लम थी, जो कंपनी स्टार्टिंग से फेस की कर रही थी, कि उन्हें सब चीज़ें हाथ में मिल जाएं, उन्हें रिवेन्यू मिल जाए, उन्हें रिवेन्यू ना देना पड़े, सब कुछ उन्हीं के हाथ में हो, तो ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है। फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड
18 सेंचुरी के स्टार्टिंग में उनका ट्रेड जो है इंडिया के साथ एक्सपैंड होता चला गया, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. वो लोग क्या करते थे, इंडिया से सस्ती कम पैसे में गोल्ड और सिल्वर की गुड्स खरीदते थे और ब्रिटेन में जाके इम्पोर्ट कर देते थे, ब्रिटेन में जाके बेच देते थे. दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया. और इसी टाइम पर ब्रिटेन हैड नो गुड्स, कोई भी गुड्स ब्रिटेन इंडिया में सेल नहीं करता था. द आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी. और इसका जो आउटफ्लो था, ये गोल्ड का आउटफ्लो जो था वो ब्रिटेन में कब स्टार्ट हो गया, बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हो गया और ये सब चीज़ें चलती रही. नाउ रिवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फिनेंस कंपनी एक्सपेंसेस. अब जो इंडिया से रिवेन्यू मिलता था, इतना पैसा चलता था, ठीक है, पैसा इतना ज़्यादा मिलता था, वो कंपनी के खर्चों को पूरा करने में यूज़ हो रहा था. दीज रिवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकटा. इसी रिवेन्यू की वजह से जो कंपनी के खर्चे थे वो पूरे हो रहे थे, मेंटेनेंस थी ट्रूप्स की वो हो रही थी, बिल्डिंग्स की जो मेंटेनेंस थी वो हो रही थी. और वो लोग क्या करते थे, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल से इंडिया से परचेज करते थे और ब्रिटेन में जाकर बेच देते थे. और उनके जो ऑफिसेज वगैरह थे उनकी मेंटेनेंस भी कैलकटा के अंदर इसी रेवेन्यू से चल रही थी. सो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ा, किस तरीके से ये जो कंपनी के रूलर्स थे किस तरीके से उन्होंने नवाब को हराया और किस तरीके से गेम खेली. सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, बाय बाय. बट इससे पहले, जाने से पहले, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा. रेड कलर का सब्सक्राइब का साइन है, उसको क्लिक ज़रूर करिएगा.